हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रीजनिंग की क्लास में, और आज हम सॉल्व कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमारा सेट 7 है, इससे पहले 6 सेट्स आ चुके हैं। आप प्लीज़ उन सारे वीडियोस पे भी जाएं और वो सारे सेट्स भी देखें जिसमें हमने और भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। तो आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक पजल है, ये फ्लोर बेस्ड पजल है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 persons are living on 5 different floors of the building. The lowermost floor is numbered as 1 and the topmost floor is numbered as 5. 2 persons are living between D and H. L lives immediately above O. M lives above O. D lives neither topmost floor nor lowermost floor. Who among the following person lives on the first floor? Question ke kehne ka matlab hai ki 5 log hain jo alag alag floors pe reh rahe hain. एक बिल्डिंग है, उसके 5 फ्लोर है और उस पर अलग अलग लोग रह रहे हैं। जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो उसकी नंबर 1 है, और ऐसे ही 2, 3, 4, 5 पाँचवें नंबर तक फ्लोर्स हैं। 2 लोग जो है वो डी और एच के बीच में रह रहे हैं। एल जो है वो ओ से ठीक ऊपर रहता है, एम ओ के ऊपर रहता है, डी जो है वो या ना तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे यानी 5th फ्लोर पे, और ना ही सबसे नीचे वाले यानी कि 1st फ्लोर पे रहता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन है वो जो 4th फ्लोर पे रहता है। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्लोर्स बनाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1 ये हमारे फ्लोर्स हैं। अलग अलग ना बनाएं, इसे एक ही साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, इसलिए हमने अलग अलग 2 फ्लोर्स बना लिए हैं ताकि अगर पॉसिबिलिटी का केस बने तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं एक बार फिर से। 2 persons are living between D and H. D और H के बीच में, D और H के बीच में 2 लोग रहते हैं। अब H ऊपर भी हो सकता है और H नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ जो अरेंजमेंट होगी, 5 चूँकि 5 फ्लोर्स हैं तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगी वो किस तरह से होगी कि D और H के बीच में हमें 2 लोगों को बिठाना है। तो या तो D यहाँ होगा इस पोजीशन पे, या तो फिर अगर डी यहाँ होगा तो एच यहाँ होगा, अगर डी यहाँ होगा तो एच यहाँ होगा। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी लिव्स नाइदर टॉप मोस्ट फ्लोर नॉर लोअर मोस्ट फ्लोर। तो डी ना तो ऊपर रह सकता है, डी ना तो नीचे रह सकता है। अगर इस अरेंजमेंट में हम डी को यहाँ भी पुट करते तो एच हमारा यहाँ आता, लेकिन ये अरेंजमेंट तो गलत हो जाएगी क्योंकि डी को हमें टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं बिठाना और ना ही हम उसे लोअर मोस्ट फ्लोर पर बिठा सकते हैं। इसलिए हमारा जो डी और एच की पोजीशन होगी वो यही होगी, डी 4th फ्लोर पे है और एच जो है वो 1st फ्लोर पे है। चलिए आगे के स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। एल लिव्स इमीडिएटली अबव ओ। एल जो है वो ओ के ठीक ऊपर रहे, ठीक है, ओ से ठीक ऊपर एल है। एम लिव्स अबव ओ। अब यहाँ बोला गया है कि एम जो है वो ओ के ऊपर है। ऊपर कहाँ है ये पोजीशन नहीं बताई हुई है, चूँकि एल ऑलरेडी ओ से ठीक ऊपर है तो एम की जो पोजीशन होगी वो एल से भी ऊपर होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। डी लिव्स नाइदर टॉप मोस्ट फ्लोर नॉर लोअर मोस्ट फ्लोर। ये स्टेटमेंट तो हमने कर लिया, डी को हमें ना तो 5th फ्लोर पे बिठाना है ना तो 1st फ्लोर पे बिठाना है। तो चलिए आप एल और ओ को अरेंज करते हैं। एल और ओ कहाँ आएगा, क्योंकि एल और ओ साइमल्टेनियसली एक ही साथ आने, ऊपर एल होगा और नीचे होगा, तो एल और ओ के लिए जो हमारे पास सूटेबल पोजिशन है वो यही होगी, यहाँ एल होगा और यहाँ ओ। अब बच गया हमारा एम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम जो है वो ओ से ऊपर है, तो एम के लिए जो एक जगह बच रही है वो है ये, यानी कि हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसे होगा, एम यहाँ डी है, नीचे एल ओ और फिर एच। अब क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4th फ्लोर पे डी है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, डी। डी 4th फ्लोर पे रहता है। इन सारे क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना, एक या 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी के केस तो बनने नहीं है, तो आराम से हर एक स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी उसे हम अलग साइड में नोट करते हुए जाएंगे और ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का सेकेंड क्वेश्चन है वो एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है। हमें एक सीरीज़ दी हुई है जिसमें लेटर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं और सिंबल्स हैं, और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास सीरीज़ क्या है। सीरीज़ है ZP3#W@, ये ऐसे करके एक काफ़ी बड़ी सीरीज़ दी हुई है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। इफ़ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय
itself, then what is the difference between the largest and the smallest number? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जितने भी इसमें नंबर्स हैं, यानी कि 3, 2, 5, इन सारे नंबर्स को हमें खुद से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सबसे लार्जेस्ट होगा और स्मॉलेस्ट होगा उनका डिफरेंस क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर जितना बड़ा डिजिट होगा उसका मल्टीप्लीकेशन भी उतना ही बड़ा आएगा, तो जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट होगी उसका ही मल्टीप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, और जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी सीरीज में उसका मल्टीप्लीकेशन सबसे छोटा होगा। तो सीरीज में हमें सबसे लार्जेस्ट डिजिट ढूंढना है और स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढना है। तो हमारा सबसे लार्जेस्ट डिजिट है वो होगा, चलिए सीरीज को चेक करते हैं, ZP3#, हमारा जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट दिख रहा है हमें वो है 9। तो हमारा लार्जेस्ट डिजिट क्या है? 9। और हमें क्या करना है? 9 को खुद से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 81। आगे बढ़ते हैं, हमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढनी है। तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो है 2। तो हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना है कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 81 और 4 का हमसे डिफरेंस पूछा गया। सो 81 और 4 का जो डिफरेंस आएगा वो होगा 77। सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 77। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स आर इंक्रीज्ड बाय 1 वैल्यू, देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर्स विल बी चेंज्ड टू वॉवल्स। जो सीरीज दी गई है उसमें हमें वॉवल्स को हटा देना है और जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे उन्हें 1 से उनकी वैल्यू बढ़ा देनी है, यानी इंक्रीज कर देना है। जो भी डिजिट दी हुई होगी सीरीज में कॉन्सोनेंट की उसे 1 बढ़ा देना है। तो चलिए देखते हैं कि हम अगर वॉवल्स हम हटा दें सीरीज में तो हमारे पास क्या क्या बचेगा। हमारे पास बचेगा ZP3WTNNYHYS। सो हमारे पास इतने सारे नंबर्स और लेटर्स बचेंगे जब हम वॉवल्स हटा देंगे। और इसमें हमें करना क्या है कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें 1 से इंक्रीज कर देना है, यानी कि Z को जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास होगा A, B को इंक्रीज करेंगे तो Q, 3 को तो हमें इंक्रीज करना है नहीं क्योंकि ये वॉवल नहीं है, ये तो डिजिट है। आगे W को अगर हम इंक्रीज करें तो X, T को इंक्रीज करें तो U, N को इंक्रीज करें तो O, फिर सेकेंड N को इंक्रीज करें तो O, Y को इंक्रीज करें तो Z, H को इंक्रीज करें तो I, Y को इंक्रीज करें तो Z और S को इंक्रीज करें तो T। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी लेटर्स विल बी चेंज टू वॉवल्स, कितने लेटर्स हैं जो वॉवल्स में चेंज हो जाएंगे। हमारे पास कितने वॉवल्स मिले हैं यहाँ न्यू सीरीज में? 1, 2, 3, 4 और ये 5। सो टोटल 5 लेटर्स हैं जो चेंज होके वॉवल्स बन गए हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, इफ ऑल द सिंबल्स फ्रॉम द अबव सीक्वेंस इज ड्रॉप्ड देन फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वॉवल्स। जो हमें सीरीज दी गई है उसमें से हमें सिंबल्स हटाने हैं इस बार, और सिंबल्स हटाने के बाद हमें यह देखना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि वॉवल्स के द्वारा प्रीसीड किए जाते हैं। चलिए देखते हैं, यानी कि नंबर से पहले हमारा वॉवल आना चाहिए, जो भी नंबर होगी उससे पहले हमारा वॉवल आना ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार सीरीज में। सो अगर हम सीरीज में से सारे सिंबल्स हटा दें तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो होगी ZP3WTNU2NY5HYS9OEI and 7। चलिए देखते हैं कि इसमें कितने सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके ठीक पहले वॉवल आया है। प्रीसीडेड बाय वॉवल का मतलब होता है वॉवल पहले आया है, और यहाँ अगर फॉलोड होता है तो यानी कि वो बाद में आता है। हमेशा याद रखिए, प्रीसीडेड करने का मतलब होता है पहले आना और फॉलो करने का मतलब होता है बाद में आना। तो चलिए देखते हैं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके ठीक पहले वॉवल है। यहाँ पे 3 है, 3 के पहले तो कॉन्सोनेंट है सो ये नहीं होगा। यहाँ 2 है और 2 के पहले यू आया है जो कि एक वॉवल है, तो हमारा एक सेट तो ये बनता है। आगे देखते हैं, यहाँ 5 है, 5 के पहले वाई आया है तो ये तो कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल भी नहीं होगा।
यहाँ 9 है, 9 से पहले एस आया है, एस भी कॉन्सोनेंट है इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास 7 है, 7 से ठीक पहले आई आया है जो कि एक वावेल है। सो हमारे पास जो जितने सेट्स बन रहे हैं वो दो बन रहे हैं, यानी कि दो ऐसे लेटर्स हैं 2 और यहाँ पे 7 जिनके ठीक पहले वावेल्स आ रहे हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 2। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई नंबर्स एंड प्रिसीडेड बाई लेटर्स। यहाँ भी मैंने बताया था कि फॉलोड करने का क्या मतलब होता है और प्रिसीड करने का क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सिंबल होगा, जो भी सिंबल होगा उसके ठीक पहले लेटर, फॉलोड बाई लेटर, यानी कि लेटर जो है वो ठीक पहले आना चाहिए, सिंबल बीच में और इसके बाद हमारा नंबर आना चाहिए। हमेशा याद रखिए प्रिसीड करने का मतलब जो पहले आए और फॉलो करने का मतलब जो बाद में आए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा नंबर जो है वो बाद में आना चाहिए और लेटर पहले आना चाहिए। सीरीज़ को एक बार चेक करते हैं। हमारे पास जो सीरीज़ दी हुई है उसमें केवल और केवल एक ही ऐसा सिंबल है न्यू जिसके पहले आई है और जिसके बाद में नंबर है 7। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1B। केवल हमारे पास एक ही ऐसा सिंबल है जिसके ठीक बाद नंबर है और ठीक पहले एक लेटर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ वी मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स, इफ़ वी मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स विच आर इमीडिएट राइट ऑफ कॉन्सनेंट एंड मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स विच आर इमीडिएट राइट ऑफ वावेल्स एंड देन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फाइनल वैल्यू ऑफ कॉन्सोनेंट टू वावेल द वैल्यू विल बी। हमसे पूछा गया है कि हम वैसे नंबर्स जो इमीडिएट राइट हों कॉन्सोनेंट के, किसी भी कॉन्सोनेंट के इमीडिएट राइट, यानी कि इस साइड जो भी नंबर होगा उसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, और दूसरा हमारे पास जो वावेल्स होंगी उनके इमीडिएट राइट में जो भी नंबर्स होगा इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए देखते हैं कि हमारे सीरीज़ में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। हमारे सीरीज़ में जो कॉन्सोनेंट है, इमीडिएट राइट कॉन्सोनेंट नंबर्स हैं वो है 3, 5 और 9, क्योंकि इनके बाद कॉन्सोनेंट इमीडिएट राइट इनके कॉन्सोनेंट है, और जो नीचे है जो कि हमारा वावेल्स है वो है U, 2 और N। सो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है 3 × 5 × 9 दैट वुड बी 135, और 2 को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसलिए 2 को केवल 2, और इन्हीं की तो सब्ट्रैक्शन हमें कितना डिफरेंस आएगा यही निकालना है, तो इसका डिफरेंस होगा 133। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी 133। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सिलॉक्स का है। ये करीब 5 क्वेश्चन तो RBI ऑफिस अटेंडेंट में बिल्कुल पूछे जाते हैं, बहुत कोई ज़्यादा टफ सिलॉक्स नहीं होते हैं। आज जो हमने सिलॉक्स लिया है वो हाँ पॉसिबिलिटी का केस है। ये पॉसिबिलिटी वाले केस काफ़ी कॉमन पूछे जाते हैं, बहुत बार सारे एग्जाम्स में आते हैं पॉसिबिलिटी वाले केस। तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसे करना है। हमारे पास जो 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इस क्वेश्चन में वो है ऑल बॉयज़ आर पैरट, नो पैरट इज़ ब्लैक, ऑल ब्लैक्स आर नाइस। तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल बॉयज़ आर पैरट्स, ऑल बॉयज़ जितने भी बॉयज़ हैं वो पैरट हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नो पैरट इज़ ब्लैक, नो पैरट इज़ ब्लैक, कोई भी पैरट जो है वो हमारा ब्लैक नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे दिखाएंगे, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे क्रॉस करके दिखाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है ऑल ब्लैक्स आर नाइस, ऑल ब्लैक्स आर नाइस, ये हमारा नाइस हो गया। इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम ये बनेगा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या है। पहला कंक्लूजन है सम बॉयज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो है सम बॉयज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। बॉयज जो है वो पैरट के अंदर है, जब पैरट ब्लैक के पास जा ही नहीं सकता तो इसके अंदर रहने वाला बॉय ये कैसे जाएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा इधर, इसकी कोई मूवमेंट इस साइड नहीं होगी, ब्लैक में नहीं होगी। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ये तो गलत है। हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो है एटलीस्ट सम पैरट्स आर बॉयज,
एट लीस्ट सम पैरट्स आर बॉयज़, कहने का मतलब कि कुछ पैरट्स जो है वो बॉयज़ हैं। तो हाँ बिल्कुल है, यहाँ जो बॉयज़ है ये पैरट के अंदर ही तो है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, यानी कि एटलीस्ट सम, एटलीस्ट का मतलब होता है कुछ, तो सम पैरट्स आर बॉयज़, ये जो कुछ ये पैरट का जो पार्ट है जो बॉय में है, तो इसलिए हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो हमारा आंसर होगा ओनली टू, यानी कि ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिलॉक्स का है। इसमें हमें तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल वॉचेज आर माउस, ऑल माउस आर इंक, सम इंक्स आर डॉग्स। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये वॉच है, ऑल वॉचेज आर माउस, जितने भी वॉच है वो माउस के अंदर है, ऑल माउस आर इंक, जितने भी माउस हैं वो इंक के अंदर है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सम इंक्स आर डॉग, कुछ जो इंक हैं वो क्या है, डॉग है। अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल डॉग्स आर वॉच, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल डॉग्स आर वॉच। हमें दिख रहा है कि डॉग्स और वॉच का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ केस पॉसिबिलिटी का है। सो पॉसिबिलिटी में जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता वो सही होगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटी पूछा गया है, कोई असर्टिव स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ ऐसा होगा ही, यहाँ पॉसिबिलिटी दी हुई है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये सही होगा। जो हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन है, सेकंड कंक्लूजन, वो है एटलीस्ट सम इंक आर वॉच, एटलीस्ट सम इंक आर वॉच, तो ये वॉच जो है वो इंक के अंदर है, तो इसलिए ऑब्वियसली जो इंक जो वॉच होगा वो तो इंक होगा ही होगा, ये जो पार्ट है वॉच का ये इंक के अंदर है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट टू, जो कंक्लूजन टू है वो भी बिल्कुल सही होगा। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बोथ कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू फॉलो, यानी कि ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑल पेन इज पेंसिल, ऑल पेन इज पेंसिल, ऑल बुक्स आर पेन, नो केक इज पेंसिल। तीन स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं और हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है। सो ऑल पेन इज पेंसिल, जितने भी पेन हैं वो सब क्या है, पेंसिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑल बुक्स आर पेन, जितनी भी बुक्स हैं वो क्या है, पेन है। नो केक इज पेंसिल, नो केक इज पेंसिल, अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे क्रॉस से शो करेंगे। चलिए अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो है अ पेन कैन नेवर बी अ केक, अ पेन कैन नेवर बी अ केक, एक पेन जो है वो कभी भी केक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा पेंसिल ही केक में नहीं जाएगा, तो पेंसिल के अंदर आने वाला पेन कैसे जाएगा, जब पेंसिल ही नहीं जा सकता केक के अंदर, तो ये पेन जो इसके अंदर है, पेंसिल के अंदर है, वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अब सेकंड कंक्लूजन को पढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है, ऑल दोज पेन्स हु आर पेंसिल आर केक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल दोज पेन्स, जितने भी पेन्स हैं जो पेंसिल हैं वो केक होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी। ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, पर हमें यहाँ साफ साफ पता है कि जितने भी पेन हैं वो पेंसिल के अंदर हैं, जितने भी पेन हैं वो पेंसिल के अंदर हैं, तो ये कभी भी यहाँ नहीं जाएंगे, ये कभी भी इस केक के अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ओनली वन फॉलोज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिलॉक्स का है। सो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। इसमें तीन स्टेटमेंट्स हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है नो बैग इज हैंड, नो हैंड इज लेग, नो लेग इज माउथ। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। नो बैग इज हैंड, कोई भी बैग हैंड नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऐसे शो करेंगे। नो हैंड इज लेग, कोई भी हैंड जो है वो हमारा लेग नहीं है। आगे पढ़ते हैं, नो लेग इज माउथ, कोई भी जो लेग है वो माउथ नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन्स क्या क्या हैं।
हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो है सम बैग्स आर माउथ, सम बैग्स आर माउथ। सेकेंड कंक्लूजन है सम हैंड बीइंग माउथ इज अ पॉसिबिलिटी, सम बैग्स आर माउथ, कुछ बैग माउथ है। क्या हमें बैग के बारे में माउथ से क्या रिलेशन है हमें डायरेक्ट रिलेशन पता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल कंफर्म कर रहा है कि सम बैग्स आर माउथ, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है कि सम बैग्स आर माउथ, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड कंक्लूजन को पढ़ते हैं। सेकेंड कंक्लूजन है सम हैंड बीइंग माउथ इज अ पॉसिबिलिटी, सम हैंड बीइंग माउथ इज अ पॉसिबिलिटी। हमें हैंड और माउथ का रिलेशन नहीं पता है, इसलिए हम इनके बारे में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ केस जो है वो पॉसिबिलिटी का। तो पॉसिबिलिटी में जो भी पॉजिटिव केस होगा, यानी जो भी पॉजिटिव बात बोली जाएगी, वो क्या होगा? सही होगा। इसलिए हमारा जो सेकेंड कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी कि ऑप्शन ए। आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है ये पॉसिबिलिटी वाला केस आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो सिलॉक्स के क्वेश्चंस हैं नए नए तरह से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बिल्कुल तैयारी के साथ एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।